आज हम लोग ओलंपिक खेल देखेंगे क्योंकि अभी यह प्रारंभ होने वाला है। यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यह यूपीएससी अर्थात आईएएस के एग्ज़ाम से लेकर एसएससी के एग्ज़ाम तक भी इससे प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में प्रारंभ हुआ, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक खेल पड़ा। यह 394 ईस्वी तक चला, लेकिन फिर रोम के राजा थियोडोसियास के आदेश पर ओलंपिक को बंद करना पड़ा। बाद में आधुनिक काल में 1896 में बैरोन पियरे दु कोवार्तिन जो कि फ्रांस के थे उनके प्रयास से ओलंपिक खेल यूनान में फिर से प्रारंभ हुआ, इसीलिए बैरोन पियरे दु कोवार्तिन को ओलंपिक खेलों का पिता कहा जाता है। ओलंपिक खेल में मशाल की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। इसे वहाँ की देवी हेरा के मंदिर के सामने सूर्य की रोशनी से प्रज्वलित किया जाता है। बाद में इसे सारे देशों में भेजा जाता है। ओलंपिक ध्वज का उद्घाटन 1914 के पेरिस ओलंपिक में हुआ, लेकिन इसे सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। तो कब फहराया गया था? सबसे पहले 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ओलंपिक प्रतीक के रूप में आप देखते होंगे एक गोल चक्र होता है जो 5 भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। ये 5 भिन्न भिन्न रंग हर एक 5ों महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो जानते हैं कि कौन सा रंग कौन से महाद्वीप को दर्शाता है। नीला चक्र यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को एवं लाल चक्र उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को। ओलंपिक का उद्देश्य है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस अर्थात तेज, ऊंचा और बलवान। इसे भी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में शामिल किया गया। इसी ओलंपिक में शपथ ग्रहण की परंपरा भी प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण रोम ओलंपिक से 1960 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी 1900 के पेरिस ओलंपिक से प्रारंभ हुई। ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा मेक्सिको ओलंपिक से शुरू हुई। ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने फ्रांस में है। वर्तमान जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, इस ओलंपिक का शुभंकर मिरिया टोवा है जो ब्लू कलर का जानवर है। भारत ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया, जिसमें नॉर्मन प्रीचर्ड ने 2 रजत पदक प्राप्त किया। आइए जानते हैं नॉर्मन प्रीचर्ड के बारे में कुछ तथ्य। नॉर्मन प्रीचर्ड के माता पिता ब्रिटिश मूल के थे, लेकिन नॉर्मन प्रीचर्ड का जन्म कलकत्ता में हुआ। जब वो एक बार पेरिस घूमने गए उसी समय वहाँ ओलंपिक हुआ और उन्होंने उसमें भाग लिया और 200 मीटर की दौड़ में उन्होंने 2 रजत पदक प्राप्त किए। उसके बाद से वो वहाँ से हॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए लॉस एंजल्स में चले गए और वहाँ उन्होंने कई पिक्चर में एक्टिंग की। अब आते हैं फिर से भारत की दृष्टि से। भारत ने आधिकारिक रूप से 1920 के ओलंपिक में पहली बार अपना दल भेजा। भारत ने अभी तक कुल 9 स्वर्ण, 7 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 28 पदक जीते हैं, अर्थात 9 गोल्ड, 7 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज, टोटल 28 मेडल भारत ने अभी तक जीते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन 9 स्वर्णों में से 8 हॉकी में और 1 व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। 8 हॉकी के स्वर्ण पदकों में से 6 पदक भारत ने लगातार 1928 से 1956 के ओलंपिक में जीता। 7वां स्वर्ण 1964 में और 8वां 1980 के मॉस्को में जीता, यह आईएएस में पूछा गया है। अब आते हैं व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की तरफ से जो मेडल प्राप्त किए। पहला नॉर्मन प्रीचर्ड, उन्होंने 2 रजत जीता 1900 में दौड़ में। केडी यादव 1 कांस्य 1952 में कुश्ती में, अर्थात स्वतंत्रता के बाद पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने पदक प्राप्त किया। लिएंडर पेस 1 कांस्य 1996 में टेनिस में। कर्णम मलेश्वरी 1 कांस्य 2000 में भारोत्तोलन में। राज्यवर्धन सिंह राठौर 1 रजत 2004 में शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा 1 स्वर्ण 2008 में शूटिंग में। विजेंद्र सिंह 1 कांस्य 2008 में मुक्केबाजी में। विजय कुमार 1 रजत 2012 में शूटिंग में।
सुशील कुमार, थोड़ा ई की मात्रा देख लीजिएगा, गलत है यहाँ पे। सुशील कुमार एक कांस 2008, एक रजत 2012 में। साइना नेहवाल एक कांस 2012 में। मैरी कॉम एक कांस 2012 में मुक्केबाजी में। गगन नारंग एक कांस 2012 में शूटिंग में। योगेश्वर दत्त एक कांस 2012 में कुश्ती में। पीवी सिंधु एक रजत 2016 में बैडमिंटन में। साक्षी मलिक एक कांस 2016 में कुश्ती में। अर्थात अंतिम ओलंपिक में पीवी सिंधु और साक्षी, यह ओलंपिक 2020 में ही प्रारंभ होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण इसमें विलंब हो गया। अब यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होगा। इसमें भारत ने अभी तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। इस दल में 119 खिलाड़ियों सहित कुल 228 लोग शामिल हैं, जिसमें 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ी हैं, जो 85 पदकों के लिए स्पर्धा करेंगे। इस बार भारत की तरफ से दो खिलाड़ी ध्वजवाहक होंगे। एक होंगी 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम और दूसरे होंगे हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। पहले एक ही ध्वजवाहक होते थे तथा खेल समाप्ति पर बजरंग पुनिया ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेल जोड़े गए हैं, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, बेसबॉल और कराटे। सर्फिंग जो आपने देखा हुआ समुद्र की लहरों पर लोग स्केट करते हैं, तैरते रहते हैं एक लकड़ी के पट्टे पर खड़े होकर, उसको सर्फिंग कहते हैं। स्पोर्ट क्लाइंबिंग 5 नए खेल जोड़े गए हैं जो कि मैंने पहले बताया, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, बेसबॉल और कराटे। इसमें 33 खेल और 339 स्पर्धाएँ हैं, अर्थात 33 स्पोर्ट्स और 339 इवेंट्स हैं। इसमें भारतीय दल के सेफ्टी मिशन बीपी वैश्य हैं। सेफ्टी मिशन का मतलब होता है इस मिशन के मुखिया कौन है, तो बीपी वैश्य हैं। धन्यवाद। टोक्यो ओलंपिक, क्या ओलंपिक 2020 में ही प्रारंभ